लंबे अरसे के बाद बारिश नहीं होने से किसान परेशान हो रहे हैं, जिससे किसानों में चिंता का विषय बना हुआ है। पूरे प्रदेश में बारिश नहीं होने के कारण फसलें बर्बाद होती नजर आ रही हैं। ऐसे में डंडापुरा में रहने वाले विनोद छिपा द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना कर जल्द से जल्द बारिश होने के लिए प्रार्थना की जा रही है। मेरा नाम विनोद छिपा है, बीसा बड़ाजार से बोल रहा हूँ मैं। आज आप यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं किसानों के लिए, क्या है ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अच्छा तीन चार दिन अच्छी बारिश हो, के लोग प्रसन्न हो जाएं, भगवान प्रसन्न हो जाए, देवी माँ प्रसन्न हो जाए। गरीब किसान परेशान है पानी से, शहरवासी भी पानी से परेशान है। हम चाहते हैं कि पानी भगवान से ही प्रार्थना देवी माँ से अच्छा पानी गिरे, खूब बारिश हो और दो चार दिन के अंदर अच्छी बारिश होने की आशंका है। पानी नहीं गिरने से क्या असर पड़ रहा है किसानों पर? किसानों पर भी पड़ रहा है, जनता भी पड़ रहा है, व्यापारी भी पड़ रहा है। पानी नहीं होगा तो जनता कैसे जीवित रहेगी? आपने आज कितनी देर तक यहाँ पर चलता रहता है? यहाँ तो कार्यक्रम कोई समय की सीमा नहीं है। आज क्या स्पेशल था यहाँ? आज इसलिए स्पेशल है कि पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, बहुत पंखे भी गर्म हवा दे रहा है, किसान बहुत परेशान है। हम चाहते हैं कि अच्छा दो तीन दिन अच्छा पानी गिर जाए किसान। और मैं तो ये चाहता हूँ आला उदल की किताब पढ़ना चाहिए लोगों को। जी भाई साहब थे पहले, बहुत आला उदल किताब पढ़ते थे। आला उदल किताब पढ़ेंगे तो बारिश अच्छी होगी पैदा, गांव में भी पढ़ें, शहर में भी पढ़ें।